हाँ, तो अभी तक हम राजन शब्द के शब्द रूप, उनमें प्रयुक्त होने वाली व्याख्याएं, राजन शब्द के रूप किस प्रकार से सिद्ध होंगे, उनमें किन किन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा पढ़ चुके हैं। राजन नकारांत के पश्चात क्रम है युष्मद और अस्मद शब्दों का। तो युष्मद और अस्मद दोनों ही शब्द दकारांत दकारांत समान लिंगी है, दकारांत समान लिंगी है। समान लिंगी से तात्पर्य है कि युष्मद और अस्मद दोनों ही शब्दों के रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। युष्मद और अस्मद शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक होते हैं, इनमें संबोधन का स्थान नहीं है। यहाँ जब हम बात करेंगे युष्मद और अस्मद शब्दों की, तो सामान्य रूप से हमें युष्मद और अस्मद शब्द के जो रूप हैं वो थोड़ा कठिन दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें सूत्रों की अधिकता है। फिर भी सरलतम तरीके से सूत्रों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इनमें जो भी परिवर्तन परिवर्धन आगम आदेश संज्ञाएं होंगी वो युष्मद और अस्मद में पहले अस्मद के स्थान पर, फिर युष्मद के स्थान पर, फिर अस्मद के स्थान पर, अर्थात यहाँ पहला क्रम युष्मद का है और दूसरा क्रम अस्मद का है। सूत्रों से होने वाले कार्य पहले युष्मद के लिए हैं और उसके बाद अस्मद के लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें पहला सूत्र है डे प्रथम योरम, डे प्रथम योरम। देखो जब हम सूत्र का विखंडन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कि डे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है, डे एक स्तंभ प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। प्रथम योरम यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, प्रथम योरम यानी कि प्रथमा और द्वितीय में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, अम इनके स्थान पर अम आदेश हो जाता है। सूत्र के विखंडन से प्राप्त हो रहा है डे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। प्रथमयो से तात्पर्य है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय, सु औ जस अम और सस, इनके स्थान पर अम आदेश हो जाता है, ठीक। अर्थात युष्मद और अस्मद शब्दों से परे जब डे प्रत्यय विद्यमान हो तथा प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति को अम आदेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब युष्मद और अस्मद शब्दों के पश्चात चतुर्थी विभक्ति एक वचन का डे प्रत्यय हो अथवा प्रथमा विभक्ति के सु औ जस यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का कोई प्रत्यय हो अथवा द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन अर्थात अम ओट सस, इन तीनों प्रत्ययों में से कोई एक हो, तब कितने प्रत्यय हो जाते हैं? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का डे प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति के तीनों प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति के तीनों प्रत्यय, इस प्रकार से कुल सात प्रत्यय हो गए। तो इन सात प्रत्ययों के परे होने पर अर्थात अस्मद युष्मद शब्दों के बाद यदि ये सात प्रत्ययों में से कोई भी है तब उनके स्थान पर अम आदेश होता है।
युष्मद् और अस्मद् शब्द के पश्चात जब प्रथमा विभक्ति का कोई भी प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति का कोई भी प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय विद्यमान हो, तब उन प्रत्ययों के स्थान पर डे प्रथमयोरम सूत्र से अम आदेश हो जाता है। जैसे युष्मद् या अस्मद् पहले है, उसके बाद सु और जस, अम और सस और डे, ये सात प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं? सात। सु और जस, अम और सस और डे, ये सात प्रत्यय हों, तब इनके स्थान पर, इनमें से कोई भी हो, तब इनके स्थान पर क्या होता है? अम आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? डे प्रथम योरम सूत्र से। ठीक है, अगला सूत्र है त्वा हौ सौ। तो जब हम सूत्र का विखंडन करते हैं तब हमें प्राप्त क्या होता है? त्व और अह, त्वे और एह कब होते हैं और किसके स्थान पर होते हैं? तो देखो, जब प्रथमा विभक्ति एक वचन का सुप्रत्यय युष्मद् या अस्मद् शब्द के पश्चात विद्यमान हो, तब अस्मद् और युष्मद् को मा पर्यंत से मतलब है मा के पश्चात। जैसे अस्मद् में अस्म के पश्चात, तो अस्म के स्थान पर, युष्मद् में युष्म के पश्चात को छोड़कर युष्म के स्थान पर क्या हो जाता है? त्वे और अह आदेश हो जाता है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि पहले कार्य युष्मद् के स्थान पर होगा, तत्पश्चात अस्म के स्थान पर कार्य होगा सूत्रों से। ठीक, तो सूत्र कहता है कि जब युष्मद् और अस्मद् शब्द के पश्चात सुप्रत्यय विद्यमान हो, तब दोनों शब्दों को म पर्यंत त्वे और एह आदेश हो जाते हैं। अर्थात पूर्व में विद्यमान युष्मद् और अस्मद् शब्दों के पश्चात प्रथमा विभक्ति एक वचन का सुप्रत्यय हो, प्रथमा विभक्ति एक वचन का सुप्रत्यय हो, तो युष्मद् के युष्म के स्थान पर, किसके स्थान पर? युष्मद् के युष्म के स्थान पर त्वे और अस्मद् के अस्म के स्थान पर अह आदेश हो जाता है। जैसे युष्मद् प्लस अम, अस्मद् प्लस अम, इस स्थिति में। ठीक है, अब कहोगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय नहीं है सु अम, तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सु के स्थान पर क्या कर दिया है? अम कर दिया है। किस सूत्र से? डे प्रथमयोरम सूत्र से। तो ये किसका है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय होने पर युष्मद् में युष्म के स्थान पर, देखो म पर्यंत से तात्पर्य है जैसे युष्मद्, इसमें माता क्या है? युष्मद्, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर। ऐसे ही अस्मद् में भी म पर्यंत यानी अस्म के बाद को छोड़ दिया जाएगा, पर इस अस्म के स्थान पर। ठीक, तो युष्मद् प्लस अम और अस्मद् प्लस अम, इस स्थिति में युष्म के स्थान पर त्वय और अस्म के स्थान पर अह, ये अद रहेगा, इधर अम रहेगा, इधर अद और अम रहेगा। हमें लिखना है कि त्वाहौसौ सूत्र से युष्मद् के युष्म के स्थान पर त्वे और अस्मद् के अस्म के स्थान पर अह आदेश हो जाता है। ठीक है, अगला सूत्र है शेषे लोपः। देखो, सूत्रों का क्रम निर्धारित है, क्रम से सूत्र लगाने पर हमें सिद्धियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेषे लोपः, ठीक, शेषे लोपः सूत्र क्या करता है? जैसे अभी हमारे पास युष्मद् के पश्चात शेष क्या रहा? अद।
अस्मत में शेष क्या रहा, अस्म के बाद में अद, इन दोनों का भी लोप होता है। तो जैसे युष्मत और अस्मत की टी का लोप हो जाता है, तो टी संज्ञा हम पहले पढ़ चुके हैं अचो अंत्यादि टी सूत्र से। अचो में अंतिम जो अच होता है उसका और उसके बाद का जो समूह है उसका क्या हो जाता है, उसको टी संज्ञा कहते हैं। और जिसकी टी संज्ञा होती है संस्कृत व्याकरण में उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये कहता है सूत्र के शेष लोप है, युष्मत और अस्मत शब्दों की टी का लोप हो जाता है। शेष लोप, शेष का लोप कहने का तात्पर्य क्या है कि युष्म के स्थान पर त्वय हो गया, अस्म के स्थान पर अह हो गया, हमारे पास शेष क्या रहा, अद। शेष क्या रहा, अद। तो इस अद का लोप होगा इस सूत्र से, किसका लोप होगा, अद का। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि युष्मत और अस्मत शब्दों में म पर्यंत भाग, अर्थात युष्म और अस्म के बाद बचा हुआ अद क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। ये अद क्या कहलाएगा, टी। ठीक है, तब इस टी को अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा हो जाएगी और शेषे लोप सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे त्व अद अम, अह अद अम, शेष क्या रहा, अद, शेष क्या रहा, अद। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस अद का लोप कर देंगे, इस अद का भी लोप कर देंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे, शेषे लोप सूत्र से टी संज्ञक अद का लोप हो जाता है। ठीक है, आगे है अतो गुणे सूत्र। आगे सूत्र क्या है, अतो गुणे, अतो गुणे सूत्र क्या कहता है, अतो गुणे सूत्र कहता है कि इधर जो हमारे पास क्या है, जैसे त्व और अ, इधर हमारे पास आ है, इसके बाद में भी आ है, इन दोनों के स्थान पर पीछे वाला ही रहे, यानी पर रूप आदेश एक ही हो जाए, कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, तो अते गुणे, अतो गुणे क्या कहता है कि यदि अपदांत अत से परे गुण विद्यमान हो, गुण समझते ही हो, आदगुणे सूत्र पढ़ा है, अधिक गुणे सूत्र पढ़ा है, गुण संज्ञा किसकी होती है, आ ए और ओ की, ह्रस्व अकार ए और ओ गुण संज्ञक होते हैं। ठीक है, आदगुण है सूत्र से, अधिक गुण सूत्र से, तो क्या कहता है ये सूत्र कि यदि अपदांत अत से परे गुण विद्यमान हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है, अर्थात इस सूत्र से अ प्लस आ के स्थान पर ए, अ प्लस ए के स्थान पर ए और अ प्लस ओ के स्थान पर ओ हो जाता है। यही क्या है, गुणादेश है। आगे जैसे देखिए कि किस प्रकार से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होता है। तो जैसे हमने सूत्र पढ़ा था त्वाहौसौ, तो त्वाहौ सूत्र से क्या होता है, त्वाहौसौ सूत्र से क्या होता है, युष्मद के युष्म के स्थान पर त्वय और अस्मद के अस्म के स्थान पर अह आदेश होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास स्थिति होगी त्व अद अम, इसी प्रकार से अह अद और अम। ठीक है, इस स्थिति में तो देखो मैं ऐसे बैठाना चाहूंगा अभी, तो
प्रकार से, ठीक है। तो क्या होता है कि तो अह अद अम अह अद अम इस स्थिति में ठीक है लिखा जा सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इधर ये अकार है ठीक है और यहाँ भी अकार है ठीक है, इधर अकार है और इधर भी क्या है अकार है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अत से परे गुण विद्यमान हो, तो ये गुण है ये अत का आ है, तब हम क्या करेंगे इस त्वे यहाँ लिख देंगे जैसे ठीक है। तो अब इसका जो अकार है पीछे वाले अकार से पर रूप हो जाएगा इस प्रकार से, हम इसी प्रकार अह तो खाके नीचे क्या लगा दिया जाएगा इसको हलवर्ड बना दिया जाएगा, हलंत का चिन्ह अद और अम। इधर हम सूत्र लिखेंगे यहाँ लगेंगे हम अतो गुणे सूत्र से, अतो गुणे सूत्र से अ प्लस अ के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है ठीक है। तो ये इसके लिए है उदाहरण इस प्रकार से, ये सूत्र क्या कहता है कि यदि आ के बाद आ हो तो पर रूप हो जाएगा अर्थात आ हो जाएगा, ए आ के पश्चात ए है तो ए हो जाएगा और आ के पश्चात ओ है तो दोनों के स्थान पर केवल ओ हो जाएगा। तो यहाँ आगे पश्चात क्या है आ, यहाँ आगे पश्चात क्या है आ, तो आ और आगे स्थान पर केवल पर रूप आ रहेगा। इसी प्रकार यहाँ आ प्लस आगे स्थान पर रूप आ रहेगा, जब यहाँ से आ निकल जाएगा तब इसके नीचे क्या आ जाएगा हलंत का चिन्ह आ जाएगा अर्थात इसे हलवर्ण गत में बदल दिया जाएगा ठीक है। अब इस प्रकार से युष्मत और अस्मत शब्दों की प्रथमा विभक्ति एक वचन त्वम और अहम, त्वम और अहम, त्वम और अहम, ये युष्मत का क्या है युष्मत शब्द प्रथमा एक वचन का रूप है और ये किसका है अस्मत प्रथमा एक वचन का रूप है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से युष्मत और अहम को सिद्ध किया जाएगा। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।